दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। शहर के मध्य भाग में जेल के सामने से लेकर क्रिकेट क्लब तक उड़ान पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि अब पूर्णता की ओर है। इसके निर्माण के बाद स्टेशन रोड से जुड़ी सड़कों की यातायात समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। अब जल्द इस पुल का उद्घाटन होने जा रहा है। मुर्तिजापुर न्यायालय के नवीनीकरण के सवाल पर हाईकोर्ट के जज अनिल किलोजी की पहल पर, इसी तरह उप विभागीय अधिकारी अभय सिंह मोहिते के प्रयासों से मुर्तिजापुर MIDC स्थित सवे नंबर 149 में 5 एकड़ जगह देकर उक्त स्थान पर कुछ ही दिनों में न्यायालय की नई विशाल इमारत निर्माण किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के ढीले रवैये के चलते शहर में विविध स्थानों पर कई छोटे मोटे व्यवसायिकों की दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित है। ऐसे में यहां से ली जाने वाली खाद्य सामग्री कहीं आपके लिए खतरनाक साबित न हो जाए। इनका न तो रजिस्ट्रेशन है न ही दुकान चलाने का लाइसेंस। ऐसे दुकानदार किस तरह के खाद्य पदार्थ बेच रहे होंगे, ये सोचने का विषय है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के किशोर किशोरियों का टीकाकरण शुरू किया गया है। कोविन पोर्टल के अनुसार विदर्भ में पिछले 3 दिनों में लगभग 2930 किशोर किशोरियों का टीकाकरण हुआ है, जिसमें अकोला में मात्र 42 ही टीके लगाए गए हैं। पश्चिम विदर्भ के अकोला जिले का केवल 7% हिस्सा वन क्षेत्र है। 5431 चौरस किलोमीटर में से केवल 378 चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र है। जंगल का प्रमाण कम होने के कारण अकोला जिले का तापमान अधिक रहता है। लोगों में वृक्ष संवर्धन के बारे में जागृति करने के लिए आज 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। होलिका उत्सव के बाद छोटी गणगौर आरंभ। शीतला सप्तमी के बाद गणगौर की मूर्तियां गाजे बाजे के साथ कुम्हार के यहां से लाई जाती है। तब शुरू होता है मुख्य बड़ी गणगौर का पर्व। बड़ी गणगौर के दौरान युवतियां एवं नव विवाहिताएं बिंदोरा पूजन करती हैं। पारंपरिक गीतों के साथ इंसर जी और गौरी माता को पानी पिलाया जाता है। महाराष्ट्र के आराध्य तथा हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तिथि के अनुसार सोमवार 21 मार्च को आने से अकोला महानगर तथा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का नियोजन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात के दबाव को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु हैदराबाद जयपुर हैदराबाद अकोला से होते हुए साप्ताहिक विशेष रेल सेवा का संचालन किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 07115 हैदराबाद जयपुर साप्ताहिक विशेष रेल सेवा 25 मार्च से आरंभ होगी। महानगरपालिका क्षेत्र में अवैध होर्डिंग फलकों का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक होर्डिंग पर लगाम कसने में मनपा को सफलता नहीं मिल पा रही है। जगह जगह होर्डिंग लग रहे हैं, जिन्हें कई दिनों तक हटाया नहीं जाता। अब तो निर्माणाधीन उड़ान पुल पर भी सस्ती प्रसिद्धि के चक्कर में अवैध होर्डिंग का राज नजर आ रहा है। पानी जीवन में कितना अनमोल है, उसकी बचत की जाए, इसको लेकर जल सिंचाई विभाग की ओर जल जागृति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को नेहरू पार्क चौक से वाटर रन रैली निकाली गई। इस रैली को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।